गाइस, मैं खुशी रू आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। सुशांत के सुसाइड के बाद अभी नेपोटिज्म पर बोले अभी शत्रुघ्न सिन्हा। अभी आप लोगों को पता है कि काफी सारे लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जांच पड़ताल करने का कोई फायदा नहीं है, जानने वाला चला गया। अभी उनका कहना ये है शत्रुघ्न सिन्हा जी का। चलिए हम आपको पूरी अपडेट बोलते हैं और आपको बताते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा जी ने अभी सुशांत जी के लिए क्या बोला है। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए कि इसके जरिए हम आगे की भी लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले लेके आ पाए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ। शत्रुघ्न सिन्हा के इन बातों से आप कितने ज्यादा सहमत है हमें भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जरूर जाइए। शत्रुघ्न सिन्हा जो कि हैं वो काफी ज्यादा जाने माने हैं और उनको बहुत ज्यादा पसंद किया जाता था। हालांकि उनकी बेटी जो कि सोनाक्षी सिन्हा है उनको बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है और ये जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में वो बहुत ज्यादा डूबे हुए हैं। और उस दौरान ही सुशांत सिंह राजपूत जो कि आत्महत्या का पूरा केस है, इस चीज को लेके काफी सारे इंडस्ट्री के लोगों को अभी टारगेट किया जा रहा है। कुछ लोग सलमान खान जी को जिम्मेदार बोल रहे हैं, कुछ लोग करण जौहर को जिम्मेदार बोल रहे हैं, कुछ लोग कुछ बैनर्स को जिम्मेदार बोल रहे हैं, प्रोडक्शन हाउस को जिम्मेदार बोल रहे हैं। इसी दौरान ही अभी हम आपको ये चीज बता दें कि दैनिक भास्कर के साथ जब शत्रुघ्न सिन्हा जी ने बात की तब उस दौरान ही उन्होंने काफी सारी ऐसी बातें सामने निकाल रखी जिसको लेके अभी काफी ज्यादा बातचीत चल रही है सोशल मीडिया पे। फिर दोबारा से उन्होंने ये चीज बताया कि जो सुशांत था एक स्वभाव्यमानी, मतलब कि एक आत्मविश्वास से भरा हुआ एक व्यक्ति था। उसे अगर कोई भी समस्या थी, दिक्कत थी, कोई परेशान कर रहा था तो उसे सामने आना चाहिए था, बोलना चाहिए था। लोगों का जो कि सख्त तौर पे अभी उसकी इतनी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, अगर वो सामने आके मीडिया के सामने या लोगों के सामने आके बोलता तो उस वक्त भी उसको सपोर्ट करते, सुशांत को सपोर्ट करते। और अभी क्या है, अभी जब वो चला गया है और जाने के बाद ये की रिपोर्ट निकल के आ रही है या इसके ऊपर ब्लेम डाला जाए या उसके ऊपर ब्लेम डाला जाए, इससे कोई भी फायदा नहीं होगा। जिसको जाना था वो चला गया है। पर उसी दौरान ही उन्होंने ये भी चीज बोला कि बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि मुझे पता है कि जो सुशांत था जब वो आया था तब मैं उसे मिला भी था और उसने जिस तरीके से बात की थी मुझे तभी पता चल गया था कि ये लड़का बहुत ही आगे तक जाएगा। हालांकि ये परिस्थिति में उसने ये कदम उठाया जो कि उसको उठाना नहीं चाहिए था। वो बिहार का बेटा है, बिहार के लोग उसके लिए लड़ रहे हैं, पर इस वक्त फायदा क्या है ये बताइए। अभी हम आपको ये भी चीज बता दें कि सोनाक्षी सिन्हा ने कुछ दिन पहले एक पोस्ट की थी, पोस्ट को लेके भी वो काफी ज्यादा ट्रोल हो रही थी। हालांकि इंडस्ट्री के काफी सारे लोग हैं जो कि ट्रोल किए जा रहे हैं, काफी सारे लोग हैं जो कि यही चीज बोल रहे हैं कि इंडस्ट्री ही जिम्मेदार है। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा की इन बातों से आप लोग कितने ज्यादा सहमत बताइए जरूर। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय, टेक केयर, नमस्कार।